हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारे टारगेट पोस्टमैन की 20 क्लास है। इससे पहले हमने 19 क्लासे कंप्लीट कर लिए, जिनमें हमने पीओ गाइड, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 7, जीके एंड प्रोडक्ट सेल एंड सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके मॉडल टेस्ट पेपर का है, क्योंकि दोस्तों कल आपके पोस्टमैन एग्जाम है, इसलिए मैंने सोचा इससे पहले हम एक मॉडल टेस्ट पेपर लेते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसे है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट एग्जाम के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। और दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोलने के बाद आपको 1 से 2 सेकंड दूंगा, आप अपने ऑप्शन किसी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आपके कितने नंबर आते हैं वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन और दीव किस सर्किल के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, किस सर्किल के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन गुजरात, बी पंजाब, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपके गुजरात, ए ऑप्शन। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, टोटल सर्किल कैसे है हमारे? दोस्तों, टोटल सर्किल हमारे 23। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमटीसी एग्जाम में भी आया था, इसलिए आपको पूछा जा सकता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हेड ऑफ सर्किल होता है, सर्किल का हेड कौन होता है? ए ऑप्शन एसएसपी, बी पीएमजी, सी सीपीएमजी, डी आरपीएमजी। तो दोस्तों, हेड ऑफ सर्किल कौन होता है आपके? सीपीएमजी। और एसएसपी कहाँ के होते हैं? हेड ऑफ डिवीजन के। फिर दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हेड ऑफ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पोस्टमैन एग्जाम में आया हुआ है। ये है सीनियर पोस्टमास्टर, बी चीफ पोस्टमास्टर, सी हेड पोस्टमास्टर, डी डायरेक्टर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश के दिन कितनी बजे तक कार्य होता है? ए 10 to 17 यानी 10 से 5, बी है 9 to 17 यानी 9 से 5, सी है 10 से 18, 10 से 6, डी है 9 से 18 मतलब 9 से 6। तो आपका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको पोस्टमैन ने क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऑफिस की संडे या अन्य हॉलीडे को भी वहाँ पर बिजनेस वर्क होता है, तो दोस्तों वो नाइट पोस्ट ऑफिस ही था। और दोस्तों, जो हमारे डिपार्टमेंट के पोस्ट ऑफिस है वहाँ के टाइम को दोस्तों कौन निश्चित करता है? हेड ऑफ सर्किल। और दोस्तों, एक्सटेंड कौन करता है आपके? डायरेक्टर जनरल। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, पैकिंग संबंधित नियम प्यो गाइड के किस नियम में है? ए प्यो गाइड के भाग के नियम 12 है, बी है प्यो गाइड के भाग के नियम 13, सी है प्यो गाइड के भाग के नियम 14, डी है प्यो गाइड के भाग के नियम 15। तो दोस्तों, फिफ्थ में क्या आएगा आपके? बी ऑप्शन सही है, प्यो गाइड के भाग के नियम 13। फिर 6th क्वेश्चन है, डाक टिकटों को चिपकाए जाने का नियम दोस्तों कहां पर है? ए ऑप्शन प्यो गाइड भाग फर्स्ट के नियम 20, बी ऑप्शन प्यो गाइड भाग के नियम 22, सी है प्यो गाइड भाग के 1 के नियम 23, डी ऑप्शन है प्यो गाइड के भाग 1 के नियम 25। तो 6 में आएगा आपके सी ऑप्शन। फिर हमारा 7th क्वेश्चन है, पत्रों को अस्वीकार करने का नियम कहां पर है? ए प्यो गाइड भाग फर्स्ट के नियम 49, बी प्यो गाइड भाग के फर्स्ट के नियम 50, सी प्यो गाइड भाग के नियम 51, डी ऑप्शन है प्यो गाइड भाग के नियम 52। तो 7 में आएगा आपके बी ऑप्शन, प्यो गाइड भाग के नियम 50। 8th क्वेश्चन है, पीओडी का अर्थ है, तो दोस्तों पीओडी फुल फॉर्म क्या है? ए प्रूफ ऑफ डिलीवरी, बी प्रूफ ऑफ डिलीवर, सी प्राइवेट ऑफ डिलीवर, डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। 9वां क्वेश्चन है, 13,000 रुपये के लिए सीओडी की सुविधा का लाभ लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है? ए ऑप्शन 170 रुपीज, बी ऑप्शन 180 रुपीज, सी है 150 रुपीज, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें क्या आएगा आपके 9th में?
नाइन्थ में आएगा आपके बी ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन कैसा आएगा, क्योंकि दोस्तों 5,000 रुपये तक की सीओडी से ऊपर जो भी रुपए होते हैं, तो दोस्तों कितने हो गए हमारे 8,000। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 100 रुपये प्लस 8,000 का 1%। दोस्तों 80 ये बच गए और 100 ए, तो कितने हो गए 180। इसलिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 10 क्वेश्चन है, कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अधिकतम छूट दर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कितनी है दोस्तों। ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 30%। 11 क्वेश्चन है, बुकिंग के कार्यालय से 102 किलोमीटर की दूरी के लिए बुक किए गए 230 ग्राम के स्पीड पोस्ट पत्र का टैरिफ क्या होगा। ए 60 रुपीज़, बी है 80 रुपीज़, सी है 100 रुपीज़, डी है 120 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन 80 रुपीज़। 12 क्वेश्चन है, वॉक इन ग्राहकों के लिए क्या छूट है जो 50,000 रुपये के लिए स्पीड पोस्ट बुक करवाता है। तो दोस्तों 12 में आएगा आपके सी ऑप्शन, कितना है दोस्तों 5% है, तो 50,000 का 5% 25 रुपये हो गया। दोस्तों ये 1,00,000 रुपये तक है, यदि 1,00,000 रुपये से अधिक का है तो 10%। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 13 क्वेश्चन है, दो मेट्रो शहरों के बीच स्पीड पोस्ट डिलीवरी में समय लगता है। ए 1 से 3 दिन, बी 1 से 4 दिन, सी 102 दिन, डी है 1 से 5 दिन। तो 13 में क्या है ऑप्शन सही है दोस्तों, 13 में आएगा आपके दोस्तों 1 से 3 दिन, ये ऑप्शन सही है। 14 क्वेश्चन है, यूएसए के लिए बुक कराए गए स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वितरण मानक है। तो दोस्तों मैंने कहा था जैसे आपको पहले भी कि जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनको आप याद रखना है, जैसे यूएसए, यूके, रूस। दोस्तों प्रीवियस ईयर आपके यूके के लिए पूछा गया था कि वहाँ पे स्पीड पोस्ट कितने दिनों में डिलीवर होती है, तो मैंने यहाँ पर यूएसए के लिए पूछा है। तो 14 में आएगा दोस्तों आपके 4 से 7 दिन के बीच, ये ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन है, सीमा शुल्क के घोषणा के लिए CN22 फॉर्म भरा जाता है जब आर्टिकल का मूल्य कितने SDR से कम हो। दोस्तों इसमें आएगा आपके जब सी ऑप्शन, 300 SDR से कम हो, और दोस्तों 300 SDR से ज़्यादा हो तो CN23। 16 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस पार्सल की खेप पहुंचाई जाती है। ए ऑप्शन दरवाजे तक, बी ग्राहक की मांग के अनुसार, सी आंशिक रूप से खिड़की पर और आंशिक रूप से दरवाजे पर, डी है केवल पोस्ट ऑफिस में। तो इसमें आपके ए ऑप्शन सही है, दरवाजे तक। 17 क्वेश्चन है, टीडी खाता कम से कम कितने रुपए में खुलवाया जा सकता है। ए 100 रुपये, बी 500 रुपये, सी 1,000 रुपये, डी 2,000 रुपये। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 1,000 रुपये। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे समय से पहले बंद करवाना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पोस्टमैन एग्जाम भी आया था। तो दोस्तों कौन से खाते को, NSE को आप समय से पहले बंद नहीं करवा सकते। 19 क्वेश्चन है, 100 रुपये, 1,000 रुपये के EMO पर कमीशन होता है। तो दोस्तों कितना कमीशन होता है, ए 50 रुपये, बी 25 रुपये, सी 100 रुपीज़, डी 200 रुपीज़। तो दोस्तों आप कमीशन होता है कितना, 5%। इसलिए दोस्तों 1,000 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। इसलिए दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही है। 12, 20 क्वेश्चन है, एक EMO जिसका भुगतान नहीं किया गया है और प्रेषक उस पर पाने वाले का पता बदलना चाहता है तो उसे भुगतान करना होगा। ए प्रेषक पर अतिरिक्त शुल्क के बिना, बी प्रेषक पर पहले कमीशन का 25%, सी प्रेषक पर पहले कमीशन का 50%, सी है प्रेषक पर पहले कमीशन के बराबर। तो आपका ऑप्शन ए आएगा इसमें। 21 क्वेश्चन है, अधिकतम धनराशि जो EMO के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। ए 5,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 1,000 रुपये, डी कोई सीमा नहीं है। तो 21 में आएगा दोस्तों आपके ए ऑप्शन, 5,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है EMO की। और दोस्तों यदि आपको IMO के बारे में पूछे तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर के बारे में, उसकी लिमिट कितनी है, 50,000 रुपये। फिर दोस्तों हमारे 22 क्वेश्चन है, PMJJBY प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना बीमा कवर कौन प्रदान करता है दोस्तों? 22 में आएगा आपके LIC, LIC, BNIC, OIC, PLI। तो दोस्तों इसमें आपका LIC आएगा ए ऑप्शन। और दोस्तों जो आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें आपके बीमा कौन प्रदान करता है? उसमें करता है दोस्तों आपके NIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। 23 क्वेश्चन है APY, ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसकी आयु, तो दोस्तों अटल पेंशन योजना में एज कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके परेश्वर पोस्टमैन एग्जाम में आया था। ए है 18 to 16, बी है 18 to 40, सी है 18 to 65, डी है 18 to 50। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 24 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए निषिद्ध नहीं है? ए विस्फोटक सामग्री, बी है सजीव प्राणी, सी अशोभनीय सामग्री, डी है तीव्र साधन ठीक से सुरक्षित। दो तीव्र साधन जो आगे नुकीले होते हैं वो ठीक से सुरक्षित है, नुकीले नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपके डी ऑप्शन आएगा। 25 क्वेश्चन, कम से कम कितने रुपए तक PLI हो सकती है? ए 10,000 रुपये, बी 20,000 रुपये, सी 50,000 रुपये, डी 1,00,000 रुपये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पोस्टमैन एग्जाम पूछा गया था, वहां पे था मैक्सिमम कितनी होती है, तो दोस्तों कम से कम तो होती है आपके 20,000 रुपये की और मैक्सिमम 50,00,000 रुपये की। 26 क्वेश्चन है PLI की शुरुआत कब हुई? दोस्तों प्रीवियस ईयर आया था आपके RPLI की कब हुई, और दोस्तों ए है 1996, बी 1884, सी 1885, डी 1995। तो आपका ऑप्शन बी सही है। और दोस्तों RPLI की कब हुई? 1995 में, डी ऑप्शन। एक पंजीकृत अंतर्देशीय पत्र के लिए कुल डाक शुल्क क्या है? ए ऑप्शन 22 रुपये, बी है 17 रुपये, सी 19.50 रुपीज, डी है 2.50। तो दोस्तों आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के नुकसान के मामले में भुगतान किया जाने वाला मुआवजा है? ए ऑप्शन 10 SDR, बी 20 SDR, सी 30 SDR, डी 40 SDR। तो कौन सा क्वेश्चन सही है आपका? इसमें आएगा आपके सी ऑप्शन। दोस्तों यदि अंतर्राष्ट्रीय स्पीड की जगह आपके पंजीकृत पोस्ट पे आ गया तो आपको 30 SDR ही करना है। 29 शाखा कार्यालय के अलावा अन्य ऑफिसों में पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा है? ए है दोस्तों 4 kg, बी 10 kg, सी है 20 kg, डी है 35 kg। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 20 kg। और दोस्तों आपके शाखा डाक कार्यालय के अलावा जो आपके SO HO है वहां पर कितना होता है दोस्तों? वहां पर होता है आपके 20 kg तक। और दोस्तों जो आपके ऐप पंजीकृत पार्सल है उसका वजन कितना होना चाहिए? 4 kg। 30 क्वेश्चन है डाक टिकट संग्राहक जमा खाता कम से कम कितने रुपए में खोला जा सकता है? ए ऑप्शन 100 रुपीज, बी 200 रुपीज, सी 300, डी है आपके 500 रुपीज। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 200 रुपीज। 31 क्वेश्चन है हेड ऑफ RMS होता है SSP, बी CPMG, सी SSRM, डी है PMG। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा आपके हेड ऑफ RMS कौन है? सी ऑप्शन SSRM। ए SSP कहाँ का होता है? डिवीजन का। बी CPMG कहाँ होता है दोस्तों? ये होते हैं आपके सर्किल के। और डी PMG आपके रीजन के। फिर हमारे 32 क्वेश्चन है शाखा डाकघरों का लेखा संबंध निम्न में से है? ए उप डाकघर, बी है प्रधान डाकघर, सी है उपरोक्त में से किसी से भी, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा आपके सी ऑप्शन। दोस्तों बीओ का संबंध दोनों से होता है, एसओ से भी होता है और एचओ से भी होता है। फिर हमारा 33 क्वेश्चन है मेल बैग का कौन सा प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ए स्टेशन मेल बैग, बी सॉर्टिंग मेल बैग, सी है कंबाइंड मेल बैग, डी है सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग। 34 क्वेश्चन है
रोकड़ कार्यालय और उपकार्यालय के बीच एक्सचेंज किए गए मेल बैग को विशिष्ट मेल सूचियों में विभेद सूचक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन में ए, बी सी, सी ऑप्शन में एफ, डी में एम। तो आपका ऑप्शन सी सही है। 35 क्वेश्चन है, देर से पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। ए ऑप्शन कार्यालय की खिड़की पर, बी एक मेल कार्यालय की खिड़की पर, सी एक मेल ऑफिस के लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया, डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों कहां पर किए जाते हैं? आपका ऑप्शन डी आएगा इसमें, सभी। 36 क्वेश्चन है दोस्तों, इंदौर भेजने वाले पत्र को देहरादून भेजने को कहा जाता है। ए मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, बी मिस सेंट आर्टिकल, सी मिस सोर्टेड आर्टिकल, डी रोंगली सेंट आर्टिकल। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ए ऑप्शन मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। तो दोस्तों आपके एक तो होता है मिस सेंट। मिस सेंट क्या होता है दोस्तों? जो आपके यदि रास्ता जो फिक्स होता है उस रास्ते से नहीं जाकर दूसरे रास्ते से यदि आपका आर्टिकल जाता है तो दोस्तों वो होता है आपका मिस सेंट। और मिस डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे आपके सॉर्टिंग ऑफिस में यदि आपके जो एड्रेस होता है उसको इंग्लिश में जो आपके क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसफर किया जाता है तो दोस्तों उनको एड्रेस भी गलत हो जाता है ट्रांसफर करते टाइम। तो दोस्तों एड्रेस से किसी सही स्थान की वजह से गलत स्थान पर चला जाता है। जैसे दोस्तों 36 क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें आपका क्या आएगा? मिस डायरेक्टेड आर्टिकल। फिर दोस्तों आपका 37 क्वेश्चन है, फेसिंग मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन जिस तरफ आर्टिकल का एड्रेस है, बी है दोस्तों आर्टिकल को एड्रेस वाली साइड से व्यवस्थित करना, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आएगा 37 में? बी ऑप्शन। इससे दोस्तों आर्टिकल को एड्रेस वाली साइड से जो व्यवस्थित किया जाता है बंडल में उसे कहते हैं फेसिंग, और दोस्तों जिस तरफ एड्रेस होता है उसे कहते हैं हम फेस। दोस्तों फेस के बारे में आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था इसलिए। दोस्तों 38 क्वेश्चन है, निम्न के संबंध में गस्त का प्रयोग किया जाता है। ए गस्त का मतलब होता है दोस्तों बीट। ए ऑप्शन डाकघर, बी आरएमएस अनुवाद, सी पोस्ट ऑफिस और आरएमएस दोनों, डी आएगा दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका सही है बी ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। 39 क्वेश्चन, उप डाकघर के इंचार्ज को कहते हैं। ए शाखा डाकघर, शाखा पोस्टमास्टर, बी उप पोस्टमास्टर, सी प्रधान पोस्टमास्टर, डी सहायक पोस्टमास्टर। तो दोस्तों उप डाकघर इंचार्ज को क्या कहेंगे हम? उप पोस्टमास्टर। प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आया था तो शाखा डाकघरों के इंचार्ज को क्या कहते हैं? शाखा पोस्टमास्टर, ब्रांच पोस्टमास्टर। 40 क्वेश्चन, राजपत्रित डाकघर का नियंत्रण और परीक्षक के अधीन है। ए एचएससी फर्स्ट पोस्टमास्टर, बी ग्रेड थर्ड पोस्टमास्टर, सी समूह बी अधिकारी, डी निरीक्षक। तो आपका ऑप्शन सी सही है, समूह बी अधिकारी, ग्रुप बी ऑफिसर। 41 क्वेश्चन, प्रमुख डाकियों को सौंपे गए कर्तव्य है। एक ग्रामीण डाकघरों को पैसे भेजना, अस्थायी रूप से अनुपस्थित किसी डाकिया का कार्य, सी आरएमएस कार्यालय के साथ संपर्क, डी लेटर बॉक्स अटेंडेंट का टेस्ट वर्क। तो आपका ऑप्शन भी सही है। 42 क्वेश्चन है, पोस्टमैन की पुस्तक के स्पेस रूप में छपी है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था। MS 26, बी है MS 26A, सी MS 27, डी है MS 27A। दोस्तों इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा 42 में? इसमें आएगा आपके सी ऑप्शन MS 27। 43 क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम डाकिया को एक गश्त सूची दी जाती है जिसमें ए उसमें यात्रा किए जाने वाली सड़कों के नाम दिए होते, बी उसमें यात्रा किए जाने वाले ब्लॉकों के नाम दिए होते, सी उसमें यात्रा किए जाने वाले पंचायतों के नाम दिए होते, डी उसमें यात्रा किए जाने वाले गांवों के नाम दिए होते हैं। तो दोस्तों आपके क्या आएगा 43 में? डी ऑप्शन, उसमें यात्रा किए जाने वाले गांवों के नाम दिए होते हैं। 44 है, ग्राम डाके को नियुक्त किया जाता है अपने गश्त में वस्तु वितरित करे, बी है वस्तुओं को अपनी सीमा से परे वितरित करें, सी ऊपर के दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपके आएगा ए ऑप्शन, अपने गश्त में वस्तुएं वितरित करें। 45 क्वेश्चन है, वितरण के लिए वस्तु प्राप्त करने का नियम। ए ऑप्शन पीओ मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के नियम 112, बी ऑप्शन पीओ मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग 3 के नियम 113,
सी है पीओ मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग थर्ड के नियम 114, डी है पीओ मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग के थर्ड के नियम 115। तो आपका ऑप्शन 45 में आएगा बी ऑप्शन, पीओ मैनुअल वॉल्यूम 6 भाग के थर्ड के नियम 113। 46 क्वेश्चन है, निम्न में हर सेट को आपूर्ति नहीं की जाती, ए तारिक मोहर, बी आयताकार मोहर, सी नाम की मोहर, डी तारे की मोहर। तो आपका ऑप्शन 46 में आयताकार मोहर, इन दोस्तों ओबलंग मोहर। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 47 क्वेश्चन, मेटल टोकन कौन सप्लाई करता है, ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरएमएस, बी आईआरएम, सी रिकॉर्ड ऑफिसर, डी मेल एजेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन रिकॉर्ड ऑफिसर, डी ऑप्शन है पर्यवेक्षक स्पीड पोस्ट सेंटर में अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ए MS-82, बी MS-83, सी है MS-84, डी है MS-85। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, बी MS-83। दोस्तों किससे करता है वो, मैनेजर को, स्पीड पोस्ट मैनेजर को करता है, ये भी पूछा जा सकता है। 49 केज टीबी एक शील्ड कोर में जाती है जिससे स्पेस द्वारा खोला जाता है, ए मेल एजेंट, बी मेल गार्ड, सी मेल पियोन, डी सभी सही है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ये ऑप्शन मेल एजेंट। और दोस्तों किस में जाती है, शील्ड कोर में। इस दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस पोस्टमैन एग्जाम में। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, मेल एजेंट के नहीं होने की स्थिति में मेल एजेंट को कार्यालय को बंद करने के बाद क्या करना चाहिए, ए रिकॉर्ड अधिकारी को कुंजी लौटाए, बी आरएमएस सेट की कुंजी लौटाए, सी है अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कुंजी को बनाए रखे, डी है इसमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। फिर हमारा 51 क्वेश्चन है दोस्तों, हमने डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हमारा जीके का है जिसमें 10 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ए गंगा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका ऑप्शन दोस्तों इसमें आएगा गोदावरी। और दोस्तों पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, और दक्षिण भारत की गोदावरी। 52 क्वेश्चन है, विदर्भ कहा जाता है, ए पश्चिमी घाट को, बी पूर्वी घाट को, सी प्रायद्वीप को, डी अरावली को। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन पूर्वी भाग को। एमटी से एग्जाम में आया था दोस्तों आपके, सह्याद्री किस भाग को कहा जाता है, उसमें आया था आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी भाग को विदर्भ। 53 क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट लागू हुआ, ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। तो दोस्तों कब हुआ, सी 1919। 54 क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पर किया, ए भारत में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी अमेरिका में, डी इंग्लैंड में। तो कहां पर किया दोस्तों, बी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका में। आपके दोस्तों एमटीएस और पी एग्जाम पूछा गया था कि भारत में कहां किया गया, तो दोस्तों भारत में कहा गया था चंपारण में। 55 क्वेश्चन, शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है, ए ऑप्शन प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी है चतुर्थ अनुसूची। तो दोस्तों शपथ का प्रावधान आपके सी ऑप्शन तृतीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों आपके, उनमें राज्य को भाषा के आधार पर बांटा गया है। और द्वितीय अनुसूची में दोस्तों इसमें आपके वेतन दिए गए, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कितना होता है, ये वगैरह। 56 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप कहाँ का है, तो दोस्तों ए राजस्थान, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, सी जम्मू कश्मीर का। 57 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ए प्रधानमंत्री, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 58 क्वेश्चन है, भारत एवं चीन की सीमा को कहते हैं, ए रेड क्लिफ, बी दुरंड, सी पाक जल संधि, डी मेक मोहन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही है, मेक मोहन। रेड क्लिफ किसे कहते हैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान की रेखा के बीच, और पाक जल संधि ये कहते हैं दोस्तों जो हमारे नीचे भारत और श्रीलंका के बीच है। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों सी क्वेश्चन है, वो आपके आया था भी जीडीएस पोस्टमैन एग्जाम में। 59 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार पंडित रविशंकर का संबंध निम्न में से किसके साथ था, ए शहनाई, बी बांसुरी, सी सितार, डी वीणा। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सितार के साथ। 60 एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों, ए ऋषभदेव, बी पशुरुनाथ, सी महावीर स्वामी, डी कोई भी नहीं।
तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, महावीर स्वामी। और दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। ये क्वेश्चन आपके पोस्ट ऑफ जो आपके एमटीएस एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 60 क्वेश्चन करा दिए, और दोस्तों जो इनके आसपास के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने करा दिए। अब दोस्तों आपके जितने भी नंबर आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है, आपको कैसी तैयारी है उससे आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो है एग्जाम से संबंधित आपके रिजल्ट आदि के बारे में सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास आए।